हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जैस्पी। वेलकम टू अधिगम मंच। वी आर प्रेजेंट है विद अनदर न्यू सेशन, दैट इज इंग्लिश पेडागोजी। तो फ्रेंड्स, इंग्लिश पेडागोजी में हम लैंग्वेज स्किल्स की बात कर रहे थे, तो ये इस सेशन में दो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो रहेगा। यानी कि फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बॉटम अप अप्रोच एंड सेकेंड टॉप डाउन अप्रोच। तो ये जो सेशन है, छोटा सा सेशन रहेगा, इसमें हम दो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इनसे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं, यानी कि बॉटम अप अप्रोच। जो बॉटम अप अप्रोच है, ठीक है, लैंग्वेज स्किल्स जिसके थ्रू लैंग्वेज डेवलपमेंट चलता है, ठीक है, तो वो किस तरह से, यानी कि बॉटम अप अप्रोच किस तरह से काम करती है किसी भी लैंग्वेज डेवलपमेंट में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यानी कि बॉटम अप अप्रोच की बात करते हैं। नीचे से ऊपर का जो दृष्टिकोण है किसी भी लैंग्वेज डेवलपमेंट का, जब भी बच्चा लैंग्वेज लर्न करता है, भाषा सीखता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है, तो बॉटम अप अप्रोच किस तरह से उसकी हेल्प करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, ठीक है, इस अप्रोच के थ्रू। ये जो अप्रोच है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा कि आप, जब भी बच्चा स्कूल्स में जाता है, ठीक है, स्कूल में जाने के बाद जो प्रारंभ करता है, सबसे पहले बच्चे को हम 3 से 4 या फिर 5 से 6 साल तक के बच्चे की बात करें, तो सबसे पहले हम उसको अल्फ़ाबेट सिखाते हैं, जो कि एक तरीका है, ठीक है, अल्फ़ाबेट यानी A to Z सिखाते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो बात हो रही है बॉटम अप अप्रोच, यानी नीचे बॉटम से लेकर ऊपर को, ऊपर की तरफ जो प्रोसेस चलता है किसी भाषा किसी लैंग्वेज को सीखने में, ठीक है, और इसे जो कहते हैं, यानी कि ये जो चलता है पार्ट्स टू होल, पहले पार्ट्स छोटे छोटे टुकड़ों में किसी लैंग्वेज को सीखता है, उसके बाद वो संपूर्ण भाषा की बात करता है और उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है पूरी तरह से होता है। तो फ्रेंड्स, यानी कि सबसे पहले बच्चा अल्फ़ाबेट A to Z सीखता है, ठीक, उसके बाद धीरे धीरे वर्ड्स यानी कि शब्दों पर पकड़ बनती है, वो शब्द सीखता है, ठीक, शब्द के बाद वो फ्रेजेस, ठीक है, शब्दों के जो शब्दांश होते हैं, कुल मिला के जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसको सीखता है, जिसे हम फ्रेजेस कहते हैं, ठीक, पहले अल्फ़ाबेट हुआ, ठीक, देन फिर वर्ड सीखता है बच्चा, ठीक है, वर्ड्स के यानी कि मीनिंग समझने की कोशिश करता है, वर्ड्स का जो स्ट्रक्चर है फॉर्मेशन समझता है, इनके बाद फ्रेज समझता है, एंड देन हम बात करें फ्रेज के बाद सेंटेंसेस सीखता है, ठीक, ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बाद बात करते हैं तो हम वो सेंटेंसेस पे अपनी पकड़ बनाता है, छोटे छोटे बड़े बड़े सेंटेंसेस को सीखता है। तो यानी कि ग्रामेटिकली जो आस्पेक्ट है किसी भी लैंग्वेज का उसे सीखता है, ग्रामेटिकली रूल्स हैं, ठीक है, सेंटेंस सीखता है या सेंटेंस सीखता है, उसके बाद वो एक पैसेज या स्टोरी पर पकड़ बनाता है। कुल मिला के वो किसी भी लैंग्वेज किसी भी भाषा, यहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, जब भी बच्चा इंग्लिश लैंग्वेज सीखता है, ठीक है, तो वो स्टोरी या फ्रेज या कोई भी टेक्स्ट को पढ़ रहा होता, उसका पूरा मीनिंग निकाल पाता, उसका अर्थ, उसमें जो भी अभिव्यक्ति है, ठीक है, जो भी उसमें थॉट प्रोसेस है उसको समझता है। तो फ्रेंड्स, यानी कि जब भी वो अप्रोच या वो दृष्टिकोण, जब बच्चा किसी भी भाषा या कोई व्यक्ति जब किसी भाषा को सीखने में, यानी कि बॉटम नीचे से बिल्कुल जो उसका निम्न स्तर है वहाँ से स्टार्ट करता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट किसी भी लैंग्वेज किसी भी भाषा का जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट से स्टार्ट करता है, ठीक, उसके तरफ वो वर्ड सीखता है, ठीक, वर्ड्स के बाद फ्रेज के बाद सेंटेंसेस एंड देन स्टोरी या फ्रेज। तो फ्रेंड्स, ये इस टाइप का जो अप्रोच है उसे बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। मींस कि यहाँ पे बॉटम से अप यानी कि ऊपर की तरफ जो प्रोसेस है लैंग्वेज प्रोसेस वो कंटिन्यू होता है, वो संचारित होता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा यानी कि बॉटम अप अप्रोच। यहाँ पे एक दो एग्जांपल लाएंगे, यानी कि कोई भी टारगेट लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसे सीखने में ये जो अप्रोच है हेल्प करता है। टारगेट लैंग्वेज की यदि हम बात करें तो जैसे इंडिया की हम बात करते हैं, तो इंडिया में जो हमारी मातृभाषा यानी कि मदर टंग होती है वो हिंदी होती है, ठीक, हिंदी के बाद यदि कोई भी टारगेट लैंग्वेज में बच्चा दूसरी लैंग्वेज सीख रहा होता है, इंग्लिश की यदि हम बात करते हैं, तो ये जो बॉटम अप अप्रोच है उसकी हेल्प करता है, ठीक है। तो ये रही एक बात, बॉटम अप अप्रोच किस तरह से हेल्प करता है। ये कहें कि हम कोई भी स्पीच चल रही होती है, ठीक, तो उसमें कोई जो लिसनर है वो सुन रहा है, सबसे पहले उसकी मीनिंग निकालने के लिए, किसी संपूर्ण स्पीच की मीनिंग निकालने के लिए सबसे पहले वो वर्ड्स की तरफ जाता है, ठीक, वर्ड की तरफ के बाद वो फ्रेज समझता है, फ्रेज के साथ एक कंप्लीट सेंटेंस को समझता है, एंड देन वो पूरी जो कंप्लीट स्पीच है उसको समझ पाता है, उसका अर्थ ग्रहण करता है। तो फ्रेंड्स, उस तरह के
ये जो समझ है, इस तरह से बच्चे ने, किसी व्यक्ति ने इस तरह से किसी स्पीच को समझा, तो ये किस तरह की अप्रोच है, इसे हम कहेंगे यानी कि बॉटम अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच की यदि हम बात करते हैं, तो यानी कि ये पार्ट्स टू होल, पहले पार्ट्स में बच्चा सीखता है किसी भी लैंग्वेज को, उसके बाद संपूर्ण लैंग्वेज वो पूरी तरह से सीख पाता है। तो फ्रेंड्स, ये रही एक बात जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि बॉटम अप अप्रोच। आई होप ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं जो दूसरा वाला है, दूसरे की बात करते हैं, तो यह है यानी कि टॉप डाउन अप्रोच। फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि हम टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं, तो टॉप डाउन अप्रोच जो चलता है, ये चलता है टॉप यानी ऊपर से नीचे की तरफ, ये जो लैंग्वेज प्रोसेस है नीचे की तरफ चलता है, यानी कि ऊपर से नीचे से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यानी कि नीचे ऊपर से नीचे की तरफ, टॉप टू बॉटम चलता है इसे, यानी कि टॉप डाउन अप्रोच इसलिए कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें यानी कि किसी भी, यानी कि दुनिया में कोई भी जब अपनी मदर टंग मातृभाषा को सीखता है बच्चा, तो सबसे पहले वो लैंग्वेज बोलना, ठीक है, सीख पाता है, उस भाषा को पढ़ना लिखना बेहतरीन तरीके से सीख पाता है, सुनकर समझ में आती है उसे बात, वो बोल सकता है। तो कुल मिला के बात करें तो होल लैंग्वेज की बात हो रही है, यानी किसी भी बच्चे ने, ठीक है, जब उसमें भाषा का विकास होने लगा, तो उसने संपूर्ण भाषा को बेहतर तरीके से सीख लिया, बिना किसी अल्फ़ाबेट के जाने, बिना किसी फॉर्मेशन को जाने, बिना किसी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर को या रूल्स को समझे, उसने भाषा अर्जित कर ली, एक्वायर कर ली। एंड देन उसके बाद यदि हम बात करें, जैसे बच्चा स्कूल्स में जाना प्रारंभ करता है, उसके बाद वो वहाँ पे पैराग्राफ को समझने की कोशिश करता है, ठीक है, उसके बाद वो सेंटेंसेस के बाद वर्ड्स पे आता है, वर्ड्स के बाद वो अल्फाबेट पर आता है। तो कुल मिला के यहाँ पर हम बात करें होल टू पार्ट्स, सबसे पहले बच्चा पूरी लैंग्वेज सीख लेता, उसके बाद पार्ट्स छोटे छोटे टुकड़ों में उसे समझने की कोशिश करता है। तो प्रत्येक मात्र लैंग्वेज की यही होती है कि सबसे पहले बच्चा जन्म के बाद, यानी कुछ सालों के बाद ही बच्चा भाषा एक्वायर करता है, लैंग्वेज एक्वायर करता है, ठीक है, भाषा वो समझने लगता है, ठीक, कोई भी स्टोरी, कोई भी कहानी या कोई भी टेक्स्ट उसको बेहतर तरीके से वो समझ पाता है, विदाउट ग्रामेटिकली रूल्स या स्ट्रक्चर या किसी भी सिंटेक्स के। इसके बाद वो पैसे समझता है, ठीक है, वो पढ़ने की कोशिश करता है, फिर सेंटेंसेस, फिर वर्ड्स, फिर अल्फाबेट उसे सिखाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो अप्रोच है, इसे नेचुरली अप्रोच कहते हैं, नेचुरली रिसीव या एक्वायर मदर टंग। इसके थ्रू जो मदर टंग होती है वो नेचुरली एक प्राकृतिक तरीके से एक्वायर की जाती है। तो फ्रेंड्स, ये जो है टॉप टू बॉटम चलता है, इसलिए इसे यानी कि टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। तो टॉप डाउन अप्रोच में जो बात होती है, होल टू पार्ट्स की बात होती है, एंड फर्स्ट जो हम डिस्कस किया यानी कि बॉटम अप अप्रोच, इसमें पार्ट टू होल की बात होती है। तो फ्रेंड्स, ये रहे यानी कि छोटा सा सेशन, आई होप इसमें दोनों चीज़ आपको समझ आए होंगे, यानी कि बॉटम अप अप्रोच एंड सेकेंड टॉप डाउन अप्रोच। तो फ्रेंड्स, इसे यानी कि इस अप्रोच को नेचुरल अप्रोच कहा जाता है, जो टॉप डाउन अप्रोच है। जब भी बच्चा अपनी मदर टंग एक्वायर करता है, ठीक है, तो वहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच उसकी हेल्प करता है, ठीक, जहाँ पर बच्चा नेचुरली किसी लैंग्वेज को सीखता है या एक्वायर करता है, यानी कि इसमें सबसे पहले वो संपूर्ण लैंग्वेज को समझ लेता है, पढ़ना लिखना, एंड देन वो छोटे छोटे टुकड़ों में अल्फाबेट तक, यानी कि किसी भी लैंग्वेज के स्मॉलेस्ट यूनिट तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये रही टॉप डाउन अप्रोच, जिसे हम नेचुरल अप्रोच भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, इसमें जो दो चीज़ें हैं वो आप काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि इन दोनों अप्रोचेस से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, लास्ट भी पूछा गया है, इसलिए यहाँ पे एक छोटा सा सेशन करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आई होप ये बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच दोनों आपको समझ आए होंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, एंड कमेंट के थ्रू अपनी क्वेरी हो उसे जरूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग दैट वाज एसपी सिंह।